वे पुलिस प्रशासन से वहां से हटाए। हमने कहा कि नाम गिरफ्तारी देंगे, नाम आंदोलन छोड़ देंगे। और यहां से जिस तरह से पानी यहां से हटाया गया, हमने कहा कि जब तक गांव के लोग पानी लेकर नहीं आएंगे ना मैं पानी पीऊंगा। हमारे सरदार भाई नीचे पुलू से नीचे कूद रहे हैं, पगड़ी उनकी ऊपर उलझ रही है, आकार मिश्रा है, वो मुझे दिखाई दिया, वो मैंने देखा। लोग बीजेपी के लोग भी मेरे साथ यहाँ पे थे, उनको जो भी मैंने कहा उन्होंने मुझे कंबल दिए, उन्होंने कहा कि हमारा नाम ना है, उन्हें 10,000 झंडे दिए मुझे। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के पार्टी के लोगों ने कह लगे हम सामने नहीं आ सकते, आप लड़ाई लड़ो, किसी भी चीज की जरूरत होगी वे देंगे, कि गोली चलेगी हम गोली खाएंगे यहाँ पे। लेकिन हम ना स्थान छोड़ेंगे, ना अपने सिख समाज को छोड़ेंगे और ना इस किसान को छोड़ेंगे। ये आंदोलन जारी होगा। बहुत बड़ी संख्या में मुझे फनगर में लोग हैं, पूरा क्षेत्र, पूरा जिले, कई जिले वहाँ पे चढ़ गए हैं। तो ये चीजें हैं। आप योगेंद्र यादव जी हमारे सीनियर लीडर बहुत हैं, इनकी हम बात सुनेंगे और बहुत ज्ञान की बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि जो लोग खड़े हैं यहाँ पर बैठ जाएं, क्योंकि हम तो आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे बातचीत रखते हैं, बात करते हैं, हम इनसे बहुत ज्ञान लेते हैं इनसे। नहीं नहीं, आप यहाँ से भी साइड से जो लोग हैं ना, बैठ जाओ यहाँ पे, आप बैठ जाओ अभी, बैठो बैठो। ये ऐसा ना डंडा ना चलाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठो, ये डंडा मत दिखाओ। देखो सरकार, एक मिनट सुन लो भाई, काम की बात सुन लो। सरकार ने ऐसा षड्यंत्र रच दिया था कि लोग किसानों के झंडे से नफरत करने लगते हैं, लोग किसानों के झंडू से नफरत करते। आंदोलन, एक मिनट बात सुनो, आंदोलन 20 फुट गहरे गड्ढे में उतार दिया था, 20 फुट गहरे गड्ढे में। लेकिन ऊपर ले वाले पे विश्वास था हमारा कि हमको 20 फुट गहरे गड्ढे से ही निकालना पड़ेगा। और सिर्फ कुछ नहीं था, सिर्फ 40 सेकंड में एक आवाज आई। एक मिनट सुन लो भाई, एक मिनट सुन लो, 40 सेकंड में एक आवाज आई कि ना ये जो हो रहा है ये रास्ता नहीं है तुम्हारा, ये रास्ता नहीं है, मंच पे जा और अपनी बात को। जब यहाँ से 2,000 पुलिस के लोग और नीचे 2 विधायक, एक मिनट सुन लो भाई, सुन लो, जो रात की घटनाक्रम हुई वो सुन लो। यहाँ पे 2,000 पुलिस के लोग, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है, पुलिस से, पुलिस का अच्छा एक बीमारी है क्या भाई, तो एक मिनट सुनो यहाँ पे, अरे नारे रुक जाओ, यहाँ पे 2,000 पुलिस के लोग, हमें कोई ऐतराज नहीं, आंदोलन को खत्म करना, पुलिस शांति से बात करती है, आंदोलन में हिंसा कहाँ होती है, कि अगर उन्होंने चाह लिया कि आज इसको खाली कराना है, हम खाली नहीं करना चाहते, तो उनका ऑफर रहता है कि आप गिरफ्तारी दे दो, ये तो आप स्थान छोड़कर चले जाओ, ये आप गिरफ्तारी दे दो। तो हमने ये कहा कि भाई हमारे लोग कुछ ना हो, हम कुछ लोग अपना गिरफ्तारी दे देंगे, आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि ना हम बल प्रयोग करेंगे, यहाँ से स्थान खाली करवाएंगे, आपका हमारा संबंध रहा है, हमारे ऊपर मजबूरी है। अरे रुक जा भाई, आ जा इधर, आ जा मेरे पास, आ जा, मैं बुलाओ भैया। लेकिन हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं था, जो सरकार का काम है वो वे कर रहे थे, वे पुलिस वाले मैंने रोकते हुए देखे, तो हमने समझ गए थे एक बहुत बड़ी मजबूरी है इनके सामने। लेकिन हमने कहा कि हम 100-150 लोग जो हमारे जाएंगे, हमें पक्की जेल आप भेज दो, लेकिन जो हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे उनकी जिम्मेदारी आपकी है कि वे घर तक हमारे सुरक्षित जाएं। लेकिन माहौल इतना खराब कर रखा था कि 400 लोग नीचे 2 विधायकों के साथ में, और इस साइड में लोग, हमारे जाने के बाद में यहाँ पे क्या मंजर होता वो ऊपर ले वाले ने दिखाया मुझे आईने की तरह। मेरे
सरदार भाई यहाँ पे थे जो बुजुर्गवार थे, उनकी आंखों में मैंने देखा, उनको ये था कि यहाँ से हम सुरक्षित अपने घर तक भी नहीं जा सकते थे। उनके साथ में क्या हर्ष होता, इस कौम के साथ में क्या हर्ष कल होना था। 84 से दंगू से भी खतरनाक स्थिति कल की होनी थी। हमने कहा कि ना, मैं ना गिरफ्तारी दूंगा, और जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने कहा कि उनको पकड़ो जो लोग हैं और मुकाबला करो। पुलिस से मुकाबला नहीं करने के हमने बात, हमने कहा कि जो गुंडा तत्व यहाँ पे आया है उनसे आगे बढ़ो, उनसे मुकाबला करो। वे पुलिस प्रशासन से वहां से हटाए, हमने कहा कि ना हम गिरफ्तारी देंगे ना हम आंदोलन छोड़ देंगे। और यहाँ से जिस तरह से पानी यहाँ से हटाया गया, हमने कहा कि जब तक गांव के लोग पानी लेकर नहीं आएंगे ना मैं पानी पीऊंगा। और गांव के लोग आगे बढ़ो, ये धोखा है। मैंने बहुत मदद करी उत्तर प्रदेश सरकार की, मैंने हद से ज्यादा मदद करी उनकी। मैं फिर कहता हूँ, मैंने कभी कहा नहीं कि मैंने किसको वोट दिया, मेरी पत्नी ने किसी और को वोट दिया और मैंने बीजेपी को वोट दिया, मैंने दिया। मैंने कभी किसी, एक बार सुन लो भाई, मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते। लोग बीजेपी के लोग भी मेरे साथ यहाँ पे थे, उनको जो भी मैंने कहा उन्होंने मुझे कंबल दिए, उन्होंने कहा कि हमारा नाम ना आए, उन्हें 10,000 झंडे दिए मुझे, उन्होंने कहा कि हमारा नाम ना आए, जो आप कहोगे हम देंगे। मैंने कहा कि आलू चिन्नी आप जो देना हो दे दे। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के पार्टी के लोगों ने कह लगे हम सामने नहीं आ सकते, आप लड़ाई लड़ो, किसी भी चीज की जरूरत होगी वे देंगे। उन्हें 1,000-1,000 कंबल दिए बीजेपी के लोगों ने, सब लोगों ने मेरी मदद करी, इस किसान की मदद करी। लेकिन ये षड्यंत्र था, ये किसान बिरादरी के झंडा ये 100 फीट नीचे दफन हो जाता, दफन आने वाले 50 साल में भी, 20 और 30 साल में भी ना कोई देश में किसान आंदोलन होता। और जो जो सरदार बिरादरी है ये कभी 40 और 30 साल तक उभर नहीं पाती, ये मुझे दिख रहा था कैसे यहाँ पे इनके पगड़ियों पे हाथ गिर जाते। और मीडिया यहाँ पे, पूरा मीडिया था, कैसे दिखाता कि सरदारों के साथ में आम जनता ने करा। मैंने फैसला लिया कि गोली चलेगी, हम गोली खाएंगे यहाँ पे, लेकिन हम न स्थान छोड़ेंगे, न अपने सिख समाज को छोड़ेंगे और न इस किसान को छोड़ेंगे। ये आंदोलन जारी होगा। और गांव वालों को कहा कि चलो और आगे बढ़ो, पानी लेकर आओ, पानी नहीं देंगे तो पानी लेकर आओगे। एक ही शब्द था, वो परले वाले ने वो सारा दर्शन हमें करवाया कि यहाँ पे मैंने देखा कि क्या हाल यहाँ पे होना था। वो पिक्चर का जो सीन है वो मेरे सामने उस एक मिनट में आया, ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे लट बज रहे हैं पूरे पे। हमारे सरदार भाई नीचे पुलू से नीचे कूद रहे हैं, पगड़ी उनकी ऊपर उलझ रही है, आकार बिछरा है। वो मुझे दिखाई दिया, वो मैंने देखा, मुझे नहीं पता किसने दिखाया। ये हाल थे, ये किसान की पगड़ी है, इसकी तरफ कोई आंच उठा के देखेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब पूरा साथ है, पूरा देश का किसान खड़ा हो चुका है। अब एक ही चीज चाहिए आप लोग, उसे हाथ उठा के कहो कि हम शांति की, शांति देंगे हम आपको शांति। इसी मीडिया के भाई को हमारे यहाँ पे प्रतिबंध है कि गोदी मीडिया का नारा नहीं लगेगा, गोदी मीडिया का नारा नहीं लगेगा। मीडिया ने बहुत साथ हमारा दिया, इनकी मजबूरी है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो तो आपकी आवाज कैसे उठा देंगे, कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा हो या आपकी आवाज उठा देंगे। हम इतने लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, ये 50 और 100 आदमी का स्टाफ उनके खिलाफ बोल जाएगा, इनकी कोई गलती नहीं है, ये सब हमारे साथ में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए। मीडिया के लोगों ने भी हमको झंडे दिए, सब ने झंडा दिया, ये हमारे साथी है, हम इनकी मदद करेंगे। इनकी, इन्हें कुछ भी दिखा रहे हो, इनकी मजबूरी है, इनको कुछ नहीं कहना, हम इनको भी सबको सम्मान करेंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया, इन्होंने हमारा चला रही आंदोलन, अब शांति से आंदोलन चलेगा। मुझे फलनगर में कई लाख आदमी है, सब सिस्टम जाम हो गया, कुछ नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं बचा वहाँ मुझे फलनगर में। हमने अपील करी कि मुझे फलनगर के लोग
और जगह के लोग यहाँ ना आए, मुजफ्फरनगर के लोग वहाँ से ही चल जाए, लेकिन स्टैंड बाई में रहे, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। यहाँ पे अपना जो भी लोग आ रहे हैं अपने टेंट में रहो, अपने ट्रैक्टर में रहो, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, पुलिस प्रशासन के लोग उनसे सहयोग हम लेंगे। सभी का धन्यवाद मैं योगिंदर यादव जी से कहूंगा। पानी जाकर दियो, पानी।